नदी न्यास अध्यक्ष महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा लगातार अवैध उत्खनन को लेकर नदियों का निरीक्षण करते रहते हैं। इसी कड़ी में कंप्यूटर बाबा ने उज्जैन पहुंचकर शिप्रा नदी और रामघाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने सबसे पहले शिप्रा नदी के गंभीर डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर डैम पर लगभग 300 से 500 फीट लंबी पाइपलाइन देखकर नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने शिप्रा नदी के रामघाट का निरीक्षण किया। वहीं रामघाट पर फैली गंदगी और नदी में मिल रहे नाले के पानी को देखकर कंप्यूटर बाबा ने नाराजगी जताई और अधिकारियों से ही यह तक कह डाला कि अब शिवराज सरकार नहीं कमलनाथ सरकार है, सभी को काम करना पड़ेगा। उनको निर्देश किए कि स्वच्छता के अंतर्गत आपका जो है सफाई ठीक नहीं है, वहाँ जो है जिस ढंग से कचरा, कल परसों त्यौहार है, कचरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इसमें मैं आज तो 2, 4, 5, 10 लगा ही दीजिए सफाई के, परंतु रोज़ 5-7 कर्मचारी सफाई के लिए होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि छिप्रा नदी के किनारे जो है वो, और चूँकि घाट है तो रोज़ सफाई भी होना चाहिए और धुलाई भी होना चाहिए, पानी से भी धुलना चाहिए उसको, घाटों को, और स्वच्छता भी होना चाहिए, वहाँ एक भी कचरा नहीं मिलना चाहिए। और मैंने कलेक्टर महोदय से कहा कि मैं आप जो है अपने अधिकारियों के अधीनस्थ लेकर के और तुरंत जाइए और रामघाट का नहीं, क्योंकि दो दिन का त्यौहार है, 14 और 15 को बड़े हजारों लोग वहाँ पहुँचेंगे, लाखों लोग पहुँचेंगे, तो SP महोदय के साथ में आप जाइए, नगर निगम जाइए कि क्या चीज़ की ज़रूरत है उसे देखिए, स्वच्छता के साथ साथ कानून व्यवस्था भी बरकरार रहे। JSR टाइम्स के लिए उज्जैन से शकील खान की रिपोर्ट।